हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर सविता किचन। आप सब लोग कैसे, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं नारियल की मिठाई। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, एक कप मैदा ले लिया, समझिए 200 ग्राम मैदा है, 1/4 टीस्पून नमक, 1 कप ले लेंगे ग्रेट किया हुआ नारियल। और आप चाहें तो ये नारियल का जो ब्राउन ब्राउन छिलका है उसे निकाल सकते हैं, हम इसे नहीं निकाले क्योंकि छिलका भी बहुत पौष्टिक होता है। शुगर पाउडर 2 टीस्पून, ईस्ट 1 टीस्पून और ले लेंगे मक्खन। अब मैदा में नमक डाल देंगे, ईस्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून शुगर पाउडर और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। अब सभी को मिक्स कर लेंगे। अब इसे गर्म पानी से गूंथ लेंगे और थोड़ा सा पानी देकर इसे गूंथेंगे। देखिए मैदा पूरा सब गूंथ लिए हैं, अच्छी तरह से मसल मसल के गूंथेंगे मैदा को। अब इसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगा देंगे और ढक के 1 घंटा रख देंगे। चलिए अब मैदा को चेक कर लेते हैं। मसल लेंगे अच्छी तरीके से। अब लोई काट लेंगे हम। अब एक बर्तन में नारियल ले लेंगे और चीनी पाउडर ले लेंगे। चीनी आप अपना हिसाब से दोस्तों ले लीजिए, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद तो और चीनी ले सकते हैं। हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून चीनी पाउडर लिए हैं, मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच मिल्क मिला देंगे और मिक्स कर देंगे। एक चम्मच मिल्क पाउडर मिला देंगे और मिक्स कर लेंगे सभी को। ठीक है, लिक्विड मिल्क और मिल्क पाउडर मिला के इस 4 भागों में से बांट लिए हैं, क्योंकि 4 हमारा लोई है। अब इसे हाथ से दोनों तरह हथेली से इस तरह करके इसका बॉल बनाएंगे। बोल बना लेंगे, 1 पीस लोई लेंगे, सूखा मैदा में लपेट लेंगे। अब भी लेंगे, इस तरह लंबा बेलिएगा दोस्तों। ये बिल्कुल ही नया रेसिपी है। लोई ले लेंगे, उसे सूखा मैदा में लपेटेंगे। इसी तरह बेल लेंगे। और ये नारियल का मिश्रण अब बीच में रखेंगे, फोल्ड कर लेंगे इसे अच्छी तरह से, मुंह को मोड़ लेंगे। अच्छी तरह से मुँह को मोड़ लिए हैं। फिर हथेली से दाब देंगे, फिर सूखा मैदा में लपेटेंगे और इसे बेलेंगे। देखिए इस तरह से लंबा बना लेंगे,
और इसे छुरी से हल्का हल्का चीरा लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी दूर में इसे चीरा लगा लेंगे इस तरह। इस तरह फोल्ड कर देंगे इस तरह, मुंह जोड़ देंगे इस तरह, खींच खींच के लंबा करना है दोस्तों इस तरह से। इस तरह लंबा बना के एक तरफ उंगली से पकड़े के और दूसरी तरफ का किनारा उंगली से इस तरह मोड़ेंगे हम, मोड़ के ये सीरा को अंदर इस तरह डाल दें। ये एक तरह का मिठाई हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसे रख लेते हैं हम, दूसरा लोई लेंगे, सूखा मैदा में लपेटेंगे और इसे भी बेल लेंगे, छोटी पूड़ी को जैसे बेलेंगे। और एक नारियल का लड्डू उठाएंगे और इसे अच्छी तरह से मुंह बंद कर लेंगे। अच्छी तरह से मुंह बंद कर देंगे, हथेली से चपटा कर देंगे थोड़ा। फिर सूखा आटा में लपेटेंगे, और लंबा बेल लेंगे। ये नाश्ता आप कभी भी बना सकते हैं दोस्तों, ये बच्चे को बहुत ही पसंद आएगा। और एक बार अगर बच्चे ये खा लेंगे तो बार बार बनाने की जिद करेंगे। आप किसी भी टाइम इसे बना सकते हैं। देखिए बेल लिए हैं, अब इसे छुरी से चीरा लगा देंगे। चीरा लगाते समय देखिएगा दोस्तों, ये इस साइड का और ऊपर नीचे का किनारा नहीं काटिएगा। थोड़े थोड़े दूर में इस तरह का चीरा लगाइएगा। ताकि इस तरह रख लेंगे और दोनों सीरा पकड़ के इस तरह खींच खींच के करेंगे। थोड़ा लंबा कर लीजिएगा दोस्तों इस तरह। इस तरह फोल्ड करिएगा, फिर मुझे फोल्ड हो गया है। अब ये दाहिना हाथ का जो किनारा है इसे नीचे ले जाएंगे इस तरह। ये और एक नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। देखिए हम दूध में चीनी डालकर मिला लिए हैं अच्छी तरीके से। अब हम इसे लगा लेंगे स्टोव पर। देखिए एक थाली में रख लिए हैं सभी को। अब यहाँ पर चीनी और दूध का घोल लगा देंगे ऊपर से, ताकि कलर अच्छा आए। और थाली में दूर दूर थोड़ा रखिएगा, क्योंकि ये फूलेगा मैदा हमारा, इसलिए थोड़ा थोड़ा गैप दे के रखिएगा। देखिए अच्छी तरह से सभी में लगा लिए हैं। देखिए ओवन में पहले ही हम कढ़ाई रख दिए थे और उसमें स्टैंड रख दिए थे और 5 मिनट इसे पहले ही हम गरम कर लिए हैं। ये थाली इसमें रख देंगे हम, ढक देंगे हम इसे, ढक देते हैं, ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे।
अगर आपके पास स्टैंड ना हो दोस्तों तो कढ़ाई में आप एक कटोरी रख के इस थाली को बैठा सकते हैं। इसे लो टू फ्लेम में बना लेंगे। चलिए दोस्तों अब चेक कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और हम आपको बोले थे कि हम 10 मिनट बाद चेक करेंगे। देखिए हम 10 मिनट बाद चेक किए थे और हम इसमें दूध और चीनी का घोल एक बार और लगा दिए हैं, उसके बाद ढक दिए थे। ये हाफ घंटा में पक गया है। देखिए कितना सुंदर कलर आया इसमें। अब इसे नीचे उतार के सर्व करेंगे। देखिए इसे थाली में निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर से थोड़ा मक्खन लगा देंगे। इस तरह से मक्खन लगा देंगे। आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन ओवन सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो आप कढ़ाई में इस तरह कटोरी रख कर भी बना सकते हैं या फिर स्टैंड रख कर भी बना सकते हैं। और इसे बनाने में हाफ घंटा लगता है। नया आइटम है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल नया आइटम है। आप इसे ज़रूर एक बार घर पर बनाएं और बच्चे को खिलाएं। बच्चे इसे ज़रूर पसंद करेंगे। और हमें कमेंट पर बताएं आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इस तरह नए नए रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। देखिए कितना कुरकुरे हुए हैं, आवाज़ से ही पहचान लीजिए। देखिए